भैरव रागो सत्याजार फिल्म लागो जना एक समय में अजमाल जी महाराज घर से बाहर निकले। गांव वाला लोग अजमाल जी महाराज ने देख पड़ा। पासा गिर जावे अजमाल जी महाराज के भाई 12 महीना रोजगार है पासा क्यों गिरो। अब कोई की कमाड़ी भूल गो कोई के बीज नहीं भूल गो न्यारा न्यारा ओला बर लेवे मोटा धड़ी ना तो कुण के हम ही मिल गए जो खोटा होगन होगा है। मारवाड़ मायने देखो होगना न माने आदली में खास आले जाने की इकट्ठी रिपिया पगतली में खास आले जाने की इकट्ठी पेंडो करनो पड़ी जीबान पर खास आले जाने रसगुल्ला मिर्ची पड़ा गुदी में खास आले जाने बाटा कपड़े। एक हिम्मत कर पर और कियो था मिल गया जुगो है वो बीज है जुगो जमीन में रही उभरा उनको काम ही कोरे ने। अजमाल जी महाराज सजनो करसा लोग ने केवे कोई बात नहीं तो अजमाल जी महाराज द्वारकापुरी जाई भगवान ने प्रार्थना करी हे भगवान वो मानस तमेड़ो कहीं दियो लोग सामने मिलते ही खोटा सुगन माने हैं। भादरी वीरी बीजरो जद चंदो करे प्रकाश राम देव बणिया मसू राती जी सवास। आत छोड़ बाबा यार जिकरू में आयो थारे बारे दुनिया सादी में नर बोले एक उतर की कारण अजमल बोलियो सुन रे सावरा इतना मन रे मत पूजी एक टबरियो मानी देवता है कटे थारी पूजी लाड कराला गोड कराला लाड कराला गोड कराला आयो थारे पारणे दुनिया सारी में ना बोले एक उतर की मारने दुनिया सारी में ना बोले एक टबर की मारने। इन समंदर पे पीपो जी ने दर्शन दीना आन जी दुनिया सारी ताना देवे एक पुत्र के कारणे दुनिया सारी मेना बोले एक टपर के कारणे। इतनी बात सुनी अजमल जी समंदर क्या में कूद पड़िया सोने राकट मिल मालिया हीरा मानक खूब चढ़िया अजमल जी ने अमत देखा अजमल जी ने अमत देखा सिर पे पट्टी बांध दुनिया सारी बेना एक पुत्र के कारणे दुनिया सारी ताना देवे एक कबर के कारणे। Thank you.
सादी मेरा बोले एक टबर थे कारणे दुनिया सादी खाना तेरे एक टबर के कारण दुनिया सारी में ना बोले एक टबर के कारण दुनिया सारी का ना देवे एक टबर के कारण एक टबर के कारण एक टबर के कारण बोलो सच्चे दरबार की डाली भाई की हाथ जोड़ बाबा अर्ज करूं मैं आयो धारे बारने दुनिया सारी मेना बोले एक पुत्र के कारण। अब सजनो देखो मुंडो देखना रो कोई पाप नहीं है। बीरबल और बादशाह दोनों विराजमान बादशाह बीरबल ने क्यों बीरबल ही संसार के मायने एडो आदमी है जकर मुंडो देख ले जन रोटी को मिले बीरबल क्यों घना ही बेटा है कि बेटा जन एकांत ने पकड़ लिया। अब सजनो बीरबल घर निकलियो पर कोई के लिकुड़ो थोड़ी हुई लीलाण माते अंगो मुंडो देख ले तो रोटी को निकली आ को दिन फिरियो बेड़ो आदमी मिलियो बादशाह की और बीरबल खाली आयो लायो तो कोनी के मिलियो को नहीं के एक बार और दे क्या बीरबल फेर निकले तो एक कोई बाई चीना भूंदई एक करने भाई बैठो जो बे चीना उस रे जियो वो आप खाए का टाइम पास करे पेट भराई करे बीरबल विचार करे बेटो ओ कर्म ही नहीं इंग मुंड देख ले जन रोटी को नहीं बोली बिन क्यों खड़ो कि क्यों बीरबल के राज दरबार में चलना पड़ेगा। अरे बीरबल मैं कहीं को नौकरी हो कि नहीं बादशाह बुलाया है बीरबल बिन पकड़ लेगो बादशाह ने क्यों बादशाह इरो मुंडो देख ले जन रोटी को नहीं मिले ओ कर्महीन है क्या क्या जेल में बंद कर दो। हाँ वो कह रहे बीरबल मैं थारो कहीं नुकसान करियो हूँ मारो गरीब आदमी टाइम पास करियो पेट भराई करियो यार मना आठ लाइफ रोड जेल में लगा दियो बीरबल की उठे अब सजनो बादशाह के देख बीरबल एक दिन के मुंडो देखूला मैं यार पची भोजन ग्रहण करूला। अब सुबह बादशाह उठ पर बिर मुंडो देखियो है देख पूरा भोजन ऑर्डर दियो बट राज दरबार ने मायने कई कमी है सजनो 15-20 मिनट के मायने भोजन बनीज पर आई गई चील इसकी सरप ले उड़ी एर चील के मुन्ना वो सरप छूट को थाल के मायने जाए पड़ गो बीरबल के बादशाह अभी आपका भोजन नष्ट हो गया ई रुमुंड देखियो जब वो भोजन आपने प्राप्त नहीं हुए क्यों आप ही रुमुंड देख लियो अबे तो कहना पाचो बन जेलो जन बादशाह क्यों रे बीरबल बात तो हाची है थारी पर अभी इन फांसी की सजा दे दो वो कह रहे बीरबल जेल में नकाई और अभी सीधी फांसी बेटा बाप मैं थारो कहीं बिगड़ियो बादशाह बीरबल ने कह रहे बीरबल इस संसार में मैंने एड़ा आदमी और है बीरबल गए हो तो छोटो है इमो मोटा मोटा बेटा क्या कौन है क्या आप हो थारो मुंडो ओ देखियो जने सीधी फांसी हुए देख थारो तो भोजन ही नष्ट हुआ है थारो मुंडो ओ देखियो जने ना फांसी हुई तो मुंडो देखना और सजनो कोई पाप नहीं या करे जन के हाथ जोड़ बाबा अर्ज करूं मैं आयो थारी बारने दुनिया सारी मेना बोले एक पुत्र के कारण पंडो बोलियो सुनो ठाकरा मुरसे थे काई लड़ो बट भगवान अजमाल जी महाराज जी
विनती करे सुनवाई नहीं करे। अजमाल जी महाराज विचार करी और बाटा की मूर्ति आके बोले मूर्तियां फोड़नी हरू करी। पंडित जी महाराज विचार करी रे हीतर दो गर्रे माइन बहुतर टाबर है ई मिंद्र के लारी पड़े है अट कोई मगण को चले क्यों ठहरो। पंडो बोलियो सुनो ठाकरो मूर्से ते काई लड़ो सांवरो मिलनो दी समुद्र के माइन कूद। अजमाल जी महाराज की आज जगह ठीक बताई करूं आई तेवड़ा यूं पासो तो कहन जानो। अरे अजमाल मनी मिली ही कि नहीं और नहीं मिलिया कि नरसिंह जी महाराज रा गुरु हां पीपू जी महाराज जात्रा दर्जी बन मिलिया क्या। आज अजमाल जी महाराज पंडित जी महाराज री चोटी जेल ली। पंडित जी महाराज विचार करियो अपनी हाथी ले पड़ी मारी जगह फर्क हां बोल अजमाल कि हां ओ अटे भगवान मिली। अजमाल जी महाराज ले भगवान को छलाग लगाई दी नाव। पंडित जी महाराज की बात चोटी हाथ में गई पड़ी। पंडित जी की गाय गिर गड़ाऊ लगी आमड़ी की गेंद छूटी छोटी दूजी आ गई। इतनी बात सुनी अजमल जी समुद्रिया में कूद पड़िया सोनेरा गढ़ मेल माड़िया हीरा मानक खूब जड़िया। अजमल जी ने आमद देखिया सिर पर पट्टी बांध की भगवान अजमल जी महाराज ने आमद देखिया माता पर पट्टी बांध होएगा। अजमल जी महाराज कह रहे मैं डूब डूब मरा ना श्याम पानी अणवा भगवान आप रे आ माता पर पाटी के दूर देशु भगत आयो प्रसाद रा लाडू सुगा मूर्ति रे के बट थे हा। अरे अजमल रूक राई जल जगदी सर्वी व्यापक भगवान के नाम जीती तीज जीती जगह खाली नहीं भगवान कौन वचन करे विश्वास हुए जद भगवान बेड़ो है यार विश्वास ही नहीं है तो बोले इकट्ठी फिरो होना चाहिए विश्वास आत्मा भाव होना चाहिए विश्वास होना चाहिए। प्रेम से प्रभु पढ़ा भक्ति से भगवान गुस्से में गुस्सा ही पढ़ा हे प्रभु तुम्हारा नाम प्रभु तुम्हारे नाम को रटता हूं दिन और रात ना जाने किस भेष में मुझे नारायण मिल जाए। भगवान रो कोई बरसो किस भेष में मिले विश्वास हो जना भगवान बेड़ो रही पर बेड़ा पार कर दिया करे। विश्वास किन हो एक गांव ने मायने मरा जाया महाराज जना सेठ जी जाए महाराज ने दंडोत प्रणाम करी राम जी राम महाराज की राम क्यों बाप जी मारी थोड़ा घरे चरण मांडो को नहीं आप हालो पधारो फिर भोजन करो। अब सजनो महाराज ने घर लेगा है सेठानी ने क्यों सेठानी आपने घरे महाराज आया है ये भगवान का भगत है संत है बढ़िया भोजन बनाओ संता ने आश्रम दे दियो के बाप जी अट विराजमान हो एर आप वास्ते भोजन बनाओ। अब सेठानी जी भोजन बनायो महाराज ने जीमाया। अब जीमे बाद में काई आशीर्वाद देवे महाराज आशीर्वाद दे दियो सेठा ने काई दियो के बढ़ जियो बदो दोब जियो पसरो मारा पेट भरिया थारा भगवान बकर भरो दूधा नावो एर पुत्रा फड़ो। शेठ जी की और महाराज गांधो कर दी गई और तो की कोनी आप हो भगवान रा भगत भगो भेक है संत हो पर थारी बचन को काई हुई थे के वो दूधा ना वो पुत्रा पड़ो मारे संतान है ही कोनी की मारे ना तो लड़को है ना लड़की है घर मायने संतान नहीं है महाराज यार आप री बचन रू काई हुई। महाराज की ओ सेठा चिंता मत करो राम पर राख भरोसो भाई जे तू राके राम भरोसो कमी न राके काई अरे सावरा पर राख भरोसो भाई विश्वास राखो सेठा आपके लड़को हो जाए यार नहीं हुई तो मैं हरिद्वार जाऊं थारे नाम रो दियो जाऊं यार आप संतान उजी। अब सजनो बे तो महाराज कहेंगे हरिद्वार जावे कहेंगे दिया जावे पर बांगा वचन फलना हा शब्द फलना हा भगवान रा भगत आवे शब्द फलगा बारो महीनों सेटा छोरो होगो घर में मरकली लागी चांदन होगो। अब दीजा बाजे मंगल गाई जे बगोला बंटे है बारो महीनों तो सेटा रे संतान हुई है बड़ी खुशरी बात हुई। अब संता का बांगा महाराज का एड़ा बचन फड़न लागा जो हर बारो महीनों दे सेटा के छोरो 12 साल के महीने 12 छोरा होगा बस सेटा नहीं के सेठा बा महाराज ने पासा पकड़ लो बे शब्द घना होगा मामलो होगो गड़बड़। अबे रावणिया रमता रिया रासन रही बबूत बे महाराज पासा मिले अरे के नहीं मिले जन सेठा बे हरिद्वार जाय पर अभी दिए ने बुझो आओ हां नहीं मामला गड़बड़ है काफी समय बीत गया। पटवारी जी कोई जनगण योजना वास्ते घर में आया क्या बे टाबरिया पटवारी के घेरो गालियो पटवारी पूछे तो किंग वरे के मैं मूलाराम हूं
इन पूछे किंगो मूला राम को भी नहीं मूला राम को बारू बारू मूला राम का बतावे पटवारी कहते तार बाप को नाम बताओ गाँव को कि मैं मारा बाप के पर आखिर की टीम गर्गी कर ली थी। पटवारी जी घरों बारे निकलिया जीते सजनो जकाबे संत महापुरुष सेटर करे भोजन कर गया शब्द दे गया वचन दे गया जकाबे आएगा महाराज भी घर में बढ़ता ही टाबरियन दे गया विचार करियो घर तो हागई बड़े है पर मामलो गड़बड़े है तो वो घर तो को नहीं होता आंगनवाड़ी होगी अभी क्यों बेटा बढ़िया ज्यादा घूमता दिशे के शैतानी जी महाराज ने ओलक लिया अरे महाराज आंगनवाड़ी को नहीं आता कृपा है नालता नालता का सदी नुगा गया ना वो पधारो महाराज ने आसन दियो बाप जी बैठो महाराज कियो शेर जी को दिशा कन किया के शेर जी की उड़ा हरिद्वार वो दियो बुझाऊ अटगमगर बाजरा घोड़ा पड़ा है कई जी मोहन तो विश्वास रखे जना भगवान छपर फाड़ देवे भंडार भर दिया करे फिर विश्वास ही नहीं जना अजमाल जी महाराज ने विश्वास हो छलांग लगा दी भगवान कोल वचन करिया बरस चोपनो मास भादवो नवो चांसद उगेला थारे आंगन अजमल जी दोई दोई टाबर झूलेला पानी रो में दूध कराना कुलकु पगलिया आंगने दुनिया सारी मेना बोले एक पुत्र के कारण हरजी बाटी थार जस गावे बाबा के दरबार में अब के बेड़ो पार करो सावरा कर दो बबजल पार नहीं बोलो अजमल घर अवतार की।